तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। रॉयल अनबॉक्स सिंह के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैं नए नए फ़ोनों की अनबॉक्सिंग करता ही रहता हूं और हमारा कैशिफाई सुपर सेल से माल आता ही रहता है। डेली मैं एक वीडियो डालने की कोशिश करता हूं, और अगर किसी भाई को ऑर्डर भी लगवाना होता है तो मैं उनका ऑर्डर भी लगवा देता हूं, जो कि बिल्कुल उनके पिन कोड पे एड्रेस पे आपके डिलीवर करवा देता हूं। तो जिन भाई को भी ऑर्डर लगवाना हो वो हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर किसी मोबाइल के बारे में जानना हो या रेट वगैरह के बारे में जानना हो तो वो भी आप हमसे पता कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और जो अच्छे से अच्छा मोबाइल होगा, जो अच्छी कंडीशन में होगा, जो ओरिजिनल डिस्प्ले में होगा, वही हम आपको सजेस्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, मैं ओरिजिनल डिस्प्ले के फ़ोन ही सजेस्ट करता हूँ, और डुप्लीकेट या लोकल कॉपी होल्डर में चलाने में कोई मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं उसे सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता। तो आज हमारे पास देखिए नया पैकेट डिलीवर हुआ है, जो कि सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन जो आता था, और ये सैमसंग का नोट 10 लाइट मैन हमने मंगाया है, और ये एस पेन वाला फ़ोन होता है दोस्तों, और ये 50,000 रुपये का आया था, फ्लैगशिप फ़ोन आया था, तो हमने ये मंगा लिया क्योंकि ये हमें 7,000 रुपये के आसपास पड़ा। और आप ये समझ लीजिए कि ओरिजिनल डिस्प्ले में है और इतने कम रेट में मिल गया, ये हमारी शॉप पर आराम से 10-12 हज़ार रुपये का बिक जाता है। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा अनबॉक्सिंग की वीडियो की तरफ चलते हैं। आप वीडियो को एंजॉय करिए और हमारी वीडियो को इसी तरीके से सपोर्ट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और 3,000 सब्सक्राइबर दोस्तों करवा दीजिए जल्दी। 3,000 सब्सक्राइबर के कंप्लीट होते ही मैं एक गिव अवे रखूँगा, जो कि सिलेक्टेड सब्सक्राइबर जो हमारे होंगे उन्हें मैं गिव अवे करूँगा। तो मिलते हैं वीडियो में सीधा। तो हेलो दोस्तों, रॉयल अनबॉक्सिंग के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैं कैशिफाई सुपर सेल से डेली नए नए फ़ोन मेरा आते ही और उनकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो आज हमारे पास एक नया पैकेट आया है, रेट बहुत ही दोस्तों आप देखेंगे अनबिलीवेबल रेट है इसके, और बहुत ही अच्छे रेट में आया है ये, और ग्रेड में भी मैंने सी में मंगाया। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए इसकी सीधा अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। दोस्तों इस फ़ोन की बहुत डिमांड आती है मेरे पास, व्हाट्सअप पर मैसेज भी आते हैं कि भाई हमें ये फ़ोन चाहिए। तो ये रेट की बात होती है, कभी रेट इसके ऊपर अच्छे आते हैं, कभी रेट कम भी आ जाते हैं। तो ये देखिए फ़ोन, ये रहा, और ये रहा बिल, तो बाकी चीज़ें साइड में कर देते हैं। तो चलिए पहले आपको इसका सीधा मैं बिल ही दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों इसका बिल, ये 7133 रुपये का है, सी ग्रेड में ब्लैक कलर में है, और ये है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट की दोस्तों बहुत डिमांड रहती है मेरे पास, मुझसे बहुत लोगों ने ऑर्डर लगवाया है। और आप देख, इसमें पेन वाला होता है ये। तो चलिए सीधा फ़ोन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों फ़ोन तो ठीक आया है, लेकिन थोड़ा सा स्क्रैचेस वगैरह आए हैं, जो कि क्यूसी रिपोर्ट में मेंशन भी था, तो मैं इसकी क्यूसी रिपोर्ट भी डालूंगा, आप क्यूसी रिपोर्ट पे देखना। तो थोड़े स्क्रैचेस वगैरह आए, देख पा रहे हैं आप, कैमरा कटआउट वगैरह तो ठीक है इसका। और चलिए डिस्प्ले तो ओके ही होगी क्योंकि सी ग्रेड में हमने मंगाई है, और ये हमने ओरिजिनल डिस्प्ले में मंगाया है बिल्कुल। और चलिए एक बार इसे ऑन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ऑन हो चुका है, तो जब तक ये ऑन हो रहा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और जैसे कि मैं वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से 3,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए हमारे, उसके बाद मैं गिव अवे रखूँगा फ़ोन का, जो कि बहुत ही अच्छे फ़ोन का गिव अवे रखूँगा, ये सरप्राइज़ है, ये मैं आपको तभी बताऊँगा। तो देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे भी ये फ़ोन, क्योंकि इसके डिस्प्ले में देखिए दोस्तों, जो ये इसका कैमरा कटआउट बहुत ही छोटा सा होता है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा लगता है फ़ोन। देखिए डिस्प्ले, मैंने इसकी ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है, मैंने फुल कर दी है डिस्प्ले। तो एक बार इसके रैम वगैरह भी चेक कर लेते हैं, और डिस्प्ले फिंगर है तो लगा के भी दिखाऊँगा मैं इसमें कि कैसा काम कर रहा है, बिल्कुल चेक करेंगे। देखिए 8 GB रैम और इसकी 128 GB इंटरनल है। देखिए देखिए यहाँ नीचे से दिखाई देगा, ये देखिए 8 GB इसके रैम है, 128 GB इंटरनल है। और साउंड भी चेक कर लेते हैं एक बारी दोस्तों, प्रॉपर अगर मैं इसे चेक करने लगा सिम वगैरह डाल के कॉल वॉल करके, तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है, तो कोशिश करते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। देखिए रिंग टोन वगैरह भी सही है इसकी, चेक ओके है। वैसे दोस्तों फ़ोन ठीक ही आते हैं, सिम वगैरह जो क्यूसी रिपोर्ट होती है, तो जैसे किसी रिपोर्ट दी होती है उसी हिसाब से फ़ोन आते हैं,
बाई चांस ऐसा हो जाता है कि कभी कदार एक आध प्रॉब्लम आ जाए एक्स्ट्रा, तो वो रिटर्न भी हो जाता है। और आपको पता ही है 48 घंटे की वारंटी आती है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। और वारंटी के लिए दोस्तों ये स्टिकर जो लगे हैं इसमें, ये 2 दिन तक आपको नहीं हटाने हैं, 48 घंटे की वारंटी तक ये लगे हैं पीछे भी। और ना इस पर टेम्पर, इस पर क्या नाम है, टेम्पटिंग भी नहीं होनी चाहिए, और ना इस पर क्या नाम है आपका वो होना चाहिए, इस पर ये हटा हुआ नहीं होना चाहिए, तो आपका चेंज हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो फिंगरप्रिंट भी एक बार लगा के देख लेते हैं इसका। तो एक बार फिंगरप्रिंट भी लगा लेते हैं, देखिए शुरू शुरू में दोस्तों टाइम लगता है थोड़ा फिंगर लगाने में। और मेरे दोस्तों मेरे फिंगर तो कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मेरा रिपेयरिंग का भी काम है, तो जो हमारे फिंगरप्रिंट के निशान वगैरह काम कर करके मिटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी लग जा रहा है ये। और किसी भाई के वैसे दूसरा कोई लगाएगा तो जल्दी लग जाएगा, मेरे से टाइम लगता है थोड़ा। देखिए लग चुका है फिंगरप्रिंट, चलिए फिंगरप्रिंट खोल के देखते हैं एक बारी। देखिए दोस्तों खुल गया है बहुत ही ईजिली, ये देखिए। सैमसंग पे वैसे भी दोस्तों फिंगरप्रिंट ठीक काम करते हैं, जो वैसे थोड़े ये फ्लैगशिप फ़ोनों में आते हैं। जब ये फ़ोन आया था दोस्तों 50,000 रुपये के आसपास का था, तो फ्लैगशिप फ़ोनों में फिंगरप्रिंट सारे बढ़िया है, अच्छे सही तरीके से वर्क भी करते हैं अच्छे तरीके से। तो कैमरा भी चेक करा देता हूँ मैं, शायद कैमरा चेक कराना भूल गया आपको, तो इसका कैमरा भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों कैमरा तो इसका लाजवाब है, बहुत ही क्लीन कैमरा है। और एक बार जूम करके भी देख लेते हैं इसे, जूमिंग कितनी है इसमें, 10x की जूमिंग है दोस्तों इसमें। और इसी के साथ एक फ़ोन और आता है स्टैंड लाइट, उसमें 8x के साथ में 10x की जूमिंग है। और देखिए कैमरा क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है इसकी, ये देखिए। फ्रंट कैमरा भी चेक करा देते हैं आपको, फ्रंट कैमरा भी देखिए दोस्तों, फ्रंट कैमरा भी इसका बहुत ही अच्छा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बाकी ओवरऑल तो मैं आपको चेक करा ही चुका हूँ, फ़ोन बहुत ही अच्छी अच्छे कंडीशन में आया साइड वगैरह साइड में से, बस इसका बैक गिलास जो है उसमें स्क्रैचेस वगैरह है। तो कोई नहीं, वैसे भी दोस्तों गर्मी का टाइम है, फ़ोन हीट होते हैं, सभी के हीट होते हैं, तो वैसे भी नॉर्मली आज कवर लगा के चलाना ही पड़ता है। तो कवर लगाने के बाद ये वैसे दिखाई देगा नहीं। और कवर लगाने का एक फ़ायदा और है दोस्तों कि जैसे फ़ोन गर्म हो जाते हैं हीट हो जाते हैं तो उसका भी पता नहीं लगता, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन हल्के फुल्के हीट होते ही है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन निकाल इसमें जो है, देखिए नोट सीरीज में सारों में देखिए एस पेन आता है फ़ोनों के साथ। और इसका दोस्तों बहुत ही अच्छा काम है एस पेन का, कि आप इससे फ़ोन भी कंट्रोल कर सकते हो, इससे फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कर सकते हो। जैसे हमने कैमरा चालू करा, और कैमरा चालू करने के बाद आप ये बटन इसमें दे रखा है, देखिए ये छोटा सा बटन दे रखा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो कैमरा आपका क्लिक करेगा फ़ोटो। और वैसे भी नॉर्मली ये देखिए ये नोट पैड वगैरह लिखने के भी काम आता है, मुझे तो ये फ़ीचर बहुत ही अच्छा लगता है सैमसंग का। ये देखिए कितना अच्छा फीचर है इसका, तो अच्छा लगता है दोस्तों, लिखने में भी मज़ा आता है, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत से लोग इसीलिए इसे परचेज़ करते हैं पेन की वजह से, थोड़ा कूल लगता है देखने में ये, तो बस यही। बाकी आप देख पा रहे हैं फ़ोन कितना इसमें ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।